खबर जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में लाठी से पीटकर युवक की हत्या करने के मामले में जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं पटाने पर 1-1 साल अतिरिक्त कार्रवाई की सजा सुनाई गई। लोक अभियोजक राजेश पांडे से मिली जानकारी के अनुसार घटना चांपा थाना अंतर्गत कुर्डा रोड की है, जहां 28 अक्टूबर 2019 की शाम कुर्डा रोड स्थित गमले की दुकान पर आशुतोष देवांगन अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। तभी बाइक पर रवि कुमार, कलेश्वर भार्गव, अमन कुमार लहरे, वीरेंद्र कुमार रात्रे, कलेश्वर उर्फ सिटू, प्रफुल्ल जाटवर 3 गाड़ी पे आए। आते ही गाड़ी उनके सामने खड़ी की और अश्लील गालियां देनी शुरू कर दी। आशु के और उसके दोस्तों के विरोध करने पर उन्होंने धमकी देते हुए सीधे मारपीट शुरू कर दी। आरोपी रवि थोड़ी दूर पर था, उसे आशु के दोस्त के पैर पर एक डंडा लगा तो वह 2 फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। इसके बाद सभी युवक मिलकर आशु को डंडा, पत्थर, बेल्ट से गाली गलौज कर मारपीट कर मौके से भाग निकले। घायल आशु को चंपा के निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना तत्काल चांपा पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामले के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जुर्म दर्ज कर विवेचना पूरी कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने तथ्य, अपराध की प्रकृति और आरोपियों की उम्र और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।